तो मॉडर्न ब्रांड इज जस्ट माई नेम बचपन से. सो मेरी हरकतें ऐसी थी बचपन से, लाइक आई वुड फॉल इन लव विद एवरीबडी. दैट्स व्हाई माय मॉम एंड डैड नेम मी रोमियो. तो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड रोमियो. एंड नाउ दैट वी मेड इट अ ब्रांड इज माई आइडेंटिटी. तो आई होप आपको नाम भी पसंद आया होगा मेरे साथ साथ. एनी स्पेसिफिक रीजन? डबल आर? डबल आर और आर स्टैंड किरण और रोमियो? नो, इट जस्ट मींस आर रोमियो, लाइक अपना रोमियो, आपका रोमियो. ओके, आर रोमियो. ओके, पिछले कई दिनों से आप इंटरनेट में काफी वायरल थे, आपके बारे में काफी बात की जा रही, तो ये सेंसेशनल क्यों था? मतलब इतने दिनों का, मतलब पूरी तरह से आप गायब थे, तो क्या कहना चाहिए उसको लेके? सो ये मेरे लिए एग्जाम जैसा था. फर्स्ट तो आई रिलीज्ड पोस्ट ऑफ फितूर. आई डेंट एक्सपेक्ट कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा वापस. सो उसका रिस्पॉन्स इट वेंट वायरल, इट वॉज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर. सो आई थॉट नाउ लेट मी पुट माई सेल्फ अभी उसके बाद. तो आई थॉट लेट मी स्टार्ट विथ माई नेम. तो आई थॉट आई डेंट नो कि दिल एक्सेप्ट माई नेम ओनो रोमियो. सो नो, नाम डाला तो आई डेंट एक्सपेक्ट ऐसा रिस्पॉन्स आएगा. I didn't expect people will love the name so much. So I said, after getting itna pyar, then I said, okay, chalo, let me tease them with my voice and see if they like that or not. So fir voice of Romeo kiya. And that went beyond my expectations from the first. So fir abhi uske baad aapke saamne face of Romeo aa gaya. माई फैमिली हैड कॉन्फिडेंस इन मी मोर देन आई हैड इन माई सेल्फ. दे वर लाइक फॉर श्योर यू आर गोना मेक इट. जो टीजर आया था उसमें आपकी जो आवाज थी काफी सुंदर लग रही थी, तो आप गाते भी हैं क्या? है मतलब थोड़ा उसके बारे में आप बताइए. I can do anything you want. आप गाना गा लो, एक्टिंग करा लो, कुछ भी कर लो. जिस तरह का anything. बस I'm sorry to cut you. जिस तरह का बस क्रिएट हो रहा है, रिस्पांसिबिलिटी गोज अप as an individual, as an artist. उसके बारे में क्या कहना? आर यू नर्वस? आर यू एक्साइटेड? जिस तरह का रिस्पांस अब तक मिला है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है. यस, ऑब्वियसली इतना प्यार दिया ऑडियंस ने, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. बट आई एम वेरी श्योर कि वो पहुंच जाएगा. जो भी मेरा आर्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, दैट विल रीच दैट लेवल. सो हमने अभी आपका फर्स्ट लुक देखा, यू आर प्लेइंग गेम्स, सो टेल अस समथिंग अबाउट इट. सो बचपन से आई हैव बीन वेरी मच इनटू गेम्स, एवरीथिंग फ्रॉम एक्सबॉक्स वी टू PS5, PS4, आई हैव एवरीथिंग एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो. सो आई सेड लेट मी जस्ट रिप्रेजेंट हु आई एम आउटसाइड. तो इसलिए ये वीडियो बनाया है. I think I can say I'm a old school romantic guy. So romance तो बचपन से रहा मेरे life में. And नाम जुड़ने की वजह से, रोमियो सुनने की वजह से वो प्यार हर जगह आ गया है. ओके, रोमियो की अगर हम बात करें तो कई सारे हमारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, शाहरुख खान सर हो या कबीर सिंह की अगर हम बात करते हैं या तेरे नाम की बात करते हैं, तो आप खुद को किस पर आप देखते हैं? आई थिंक सबकी फेजेस होते हैं प्यार में. प्यार में अच्छा भी होता है, प्यार में ब्रेकअप भी होता है. तो आई थिंक एक पर्सन हर चीज से जा सकता है. तो रोमियो आई फील हैज गॉन थ्रू एवरीथिंग. बट रोमियो एज अ पर्सन इज जस्ट नॉट प्यार के बारे में नहीं है. रोमियो इज ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में, करियर के बारे में, अपने आर्ट के बारे में. तो इट जस्ट नॉट अबाउट लव. योर आइडल इन द इंडस्ट्री फ्रॉम एक्टर, इफ यू वांट टू चूज एनीवन, एंड द सिंगर फ्रॉम द इंडस्ट्री विल बी योर आइडल? सी, आई वुड से इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑब्वियसली माइकल जैक्सन ऑब्वियसली, नो वन इज बिगर देन हिम एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट. Next would be The Weeknd. These two have been my idol. Anybody from the Indian film industry? Obviously, Shahrukh Khan sir. Who does romance better than him? So, Robin, when it comes to the voice, you know, every singer, every artist has an aspiration. So, what do you think, which actor would represent your voice the best?
and bring out the romance of Tony on screen? I don't think, like, I honestly think nobody can do it. Meri voice pe mere se better, I don't think anybody can do it. Because I know when I've written the track, जब मैंने गाया है या परफॉर्म किया है तो ओनली आई नो वॉट इंटेंशन किस लिखा है मैंने एंड किस पैशन की शिद्दत से मैंने वो गाना लिखा या फिर एक्ट किया है उसमें. तो आई डोंट थिंक कि मेरे अलावा एनी बडी कैन परफॉर्म मेरे से बेटर ऑन माई ट्रैक और माई वॉइस. बट आई थिंक इतने लोग हैं, सबका ओपिनियन इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. बट आई जस्ट हैव टू सी द रेशियो इफ पीपल आर लाइकिंग इट और पीपल आर नॉट. सो राइट नाउ आई एम सीइंग दैट पीपल आर लविंग इट मोर देन पीपल आर नॉट लाइकिंग इट. सो आई एम हैप्पी विद इट, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. आई डिडंट एक्सपेक्ट इतना प्यार ऑडियंस से, आई डिडंट एक्सपेक्ट इतना प्यार इंटरनेट से. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट. अभी आगे की क्या प्लानिंग है, जैसे कि आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, मतलब एक जगह, मतलब इसमें ज़्यादा आपका फोकस रहेगा अभी? और किसी एक आर्टिस्ट को प्लेबैक करना किसी के लिए मैं शाहरुख खान सर. एंड सॉरी आपने क्या बोला था? मैंने ये कहा था कि किस चीज में आप ज्यादा फोकस करेंगे, सिंगिंग के लिए या एक्टिंग के लिए? सी एट द एंड ऑफ द डे सब मेरे लिए आर्ट है. सो देयर इज नथिंग दैट आई वांट टू कि यही करना है यही करना है. एज आई सेड रोमियो कुड बी एनी कैटेगरी में. So I don't want to restrict myself. I want to act, I want to sing, I want to write a song, I can do anything. Ongoing Fatoon ki Romeo ek journey ab shuru ho rahi hai. We're going to be meeting you soon quite often. Yes. So, us journey ko leke specifically, you know, the, obviously there's always a dream of every artist. Aur aapki kaise shuruaat hui hai? So what do you have to say on that? I would like to say ki aapko ye pasand aaya, aapne haan bola. To अभी विल मीट परसों एंड देन विल कंटिन्यू दिस सीरीज. फिर आगे आपने इतना प्यार दिया, फर्स्ट मेरे नाम को, देन मेरी वॉइस को, एंड अभी इसको इतना प्यार दोगे तो देन परसों विल मीट एंड देन विल टेक इट अहेड. ओके, कभी हम आपको बिग बॉस में आपको देख पाएंगे, बिग बॉस शो में? होपफुली विल सी एवरीथिंग आफ्टर दिस प्रोजेक्ट. अपना That we'll see when we meet day after. Okay, आपने कहा शाहरुख के आप बहुत बड़े फैन हैं, आप उनको रोमांस जो देखते हैं बहुत पसंद करते हैं, उनका कोई एक फेवरेट गाना अगर आप गा सके, कुछ आप गा सके शाहरुख सर, वीर सारा का या कोई भी? I can sing something from the track Fitur. So it goes like. तेरे आँखों में देखो ये सारे नजारे, मेरे सीने पर सर रख तुम ले लो सहारे, तेरी जुल्फों को बस ये नजरे निहारे, हवाओं से उलझे और तू सवारे, मेरी दुआओं में शामिल है तू, सारी खुशियों के काबिल है तू, ये दिल तुम पे आ ही गया, तेरा फितूर मुझ पे छा ही गया. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच.